चेन्नई के मैदान में वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की टीमें भिड़ने वाली हैं और दांव पे लगे हैं ओ2 चैंपियनशिप के 3 पॉइंट। बात करें अगर टीम सिलेक्शन की तो ग्रुप सी की टीम में हम लोग यहां पे बने साउथ अफ्रीका। टॉस की तरफ बढ़ते हुए हेड्स चुनते हुए अगर जीते हुए आप टॉस, मतलब साउथ अफ्रीका अगर जीतता है तो बैटिंग लेना पड़ेगा इस राउंड में, यही रूल है। डिफिकल्टी 8 की है और टॉस हारते हुए वेस्ट इंडीज ने ले लिया है बैटिंग का फैसला। भाई ये तो आप पीछे हो गए, फायदा हो गया अफ्रीका को इस मैच में 3 पॉइंट। मुझे लगता है अफ्रीका आराम से होपर लुइस जोश जोश में, हो सकता है क्राउड चेन्नई का ज़्यादा सपोर्ट कर दिया और जोश जोश में पहली बैटिंग ले ली है, लेकिन होप करते हैं कि होप और लुइस अच्छी बैटिंग करें वेस्ट इंडीज़ के लिए। स्पिनर महाराज पहली ओवर के लिए आते हुए, पहली गेंद देखना है महाराज इन दी एंड बनता कौन है इस मैच का। डॉट से शुरुआत, ये तो भाई अच्छी शुरुआत नहीं है, इन्हें कहीं वापसी का मौका दिया इस मैच में और खुले हाथ से खेलते हुए होप लगा दिया है छक्का। गेंद है नौ बॉल, तैयार हो जाए ये फ्रेट के लिए। एक्स्ट्रा गेंद एक्स्ट्रा मजा, ऊपर से बिंदास गेंद है ये तो। ये एनपीएल का मैच नहीं है, ग्रीन लाइन आपकी अलग ही दिशा में जाती है, मतलब बहुत छोटी है ग्रीन लाइन। एक और छक्का, एक और नो बॉल, सबसे बड़ा झटका तो ये है। स्पेशल का अटेम्प्ट मैंने फिर भी किया था, ये बात मैं कहूंगा। और लीजिए तीसरा छक्का, 2 गेंदे और 20 रन, अपने आप में एक बड़ा स्कोर। तैयार है बड़े हिट के लिए, उन्हें मालूम है कि आधा काम तो गेंदबाजी कर दे रहा है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही। बढ़िया वापसी के संकेत, स्पेशल गेंद डॉट और रेलो आउट 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 आउट। क्लंप एलबी, क्लंप एलबी, इसी हाल में डीआरएस अरे ले लिया ये तो, मुझे तो क्लंप लग रहा है। अब फाइनल डिसीजन क्या आता है उस पर निगाहें होंगी। ए लीजिए गए पवेलियन, मिडल लाइन पे पकड़ाए थे, कोई और रास्ता था नहीं, एम्पायर अपने डिसीजन के साथ रहेंगे। एग्री और देना होगा आउट, विकेट गिरा है होप का, 6 में 20 काम करके गए अपना। अच्छी खासी 2 गेंदे बाकी, ऑफ साइड पे दूर रखा है बल्लेबाज से, 1 रन तो लेंगे मेरी कोशिश है। अरे डायरेक्ट हिट है, मजा आएगा 2 लेंगे तो। अरे ले लिया 2 रन, सेफली निकाल लिया, अपना बेस्ट दिया था। बारी है थोड़ा सा तेज रखने की, कोई मूवमेंट नहीं रखा है गेंद का। और डॉट बहुत अच्छे, पहली 2 गेंदों में 20, उसके बाद 4 गेंदों में बनाए हैं इन्होंने सिर्फ 4 रन। और यहां पर जुड़ेगा नए ओवर की शुरुआत में, वाइड थ्रो है और रन नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया यार हेतमायर, फायदा कुछ उठा नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी स्कोर कार्ड के एंड में जो टारगेट है वो चैलेंजिंग होने वाला है हमारे लिए। गलतियां हम, वाइड थ्रो फिर से, चलो अच्छी बात, डरा दिया था हमने, फायदा कर गया वो, 1 ही रन निकाला। ये है चेन्नई का मैदान, ये है क्राउड खचाखच भरा हुआ है, कोई बड़ा हिट नहीं, कोई अटेम्प्ट नहीं बड़ा, और इनसाइड एज पे बोल्ड, यही होना बाकी था। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इस गेम में पहले बॉलिंग करना आसान होता है, ये क्लियर हो गया। ओ2 चैंपियनशिप ने मुझे ये तो सिखा दिया यहाँ पर, आप पहले एआई को बैटिंग करिए, रन चेज करिए, वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। लुइस 1 रन बनाकर आउट, 2 गेंदे अभी भी, हम चाहते हैं कि बेस्ट रहे, कोई गड़बड़ हुई तो खत्म है। डॉट गेंदे, क्या खेल रहा है वेस्ट इंडीज, आखिरी गेंद, रन 1 6 की जरूरत है। और लीजिए चलिए चौका मिल गया, कम से कम 30+ तो रहा स्कोर, 32 पे रुका है वेस्ट इंडीज। कहीं ना कहीं थोड़े निराश होंगे, पहली गेंद, पहली 2 गेंदों में 20, उसके बाद सिर्फ 12 बने 10 गेंदों में। 33 का चेज, जितनी कम गलती हो अफ्रीका से उतना अच्छा है, क्योंकि रन एवरेज से ज़्यादा हो गए हमारे, रन चेज के लिए एवरेज थोड़ा कम है, हम 30 तक कहते हैं या 33 बन चुके हैं। निगाह हैंड्रिक्स और डुप्लेसिस पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि अब ये लास्ट मैच है इस लीग का, लीग मैच का, आप क्वालिफाई करोगे तो ही खेलोगे आगे। बहुत ही बढ़िया काम किया यहाँ पर कि आपने ले आया, परफेक्ट हिट कर दिया, मीडियम पेसर को लाया था, मुझे लग रहा था फायदा होगा, नुकसान हुआ है पहली गेंद पे। आते ही स्वागत किया है 6 से, अभी तक सबसे बढ़िया प्रॉब्लम गेंदबाज के लिए ये है कि उसे 5 गेंदें अच्छी करनी है। पहली पे 6 खा गए, गलती से 2 छक्के और पड़ गए, तो ओवर तो पूरी तरह से अफ्रीका के नाम। गेंद की लाइन लेंथ में थोड़ी सी गड़बड़ है, कैच का कॉल हो सकता है, दिया नहीं है अभी तक, कैच का कहीं कोई साइन नहीं दिखता हुआ। 3 निकाले, चलिए भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, 3 रन भी शानदार। साइड ढकेल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो बल्लेबाज है वो बहुत बढ़िया खेल रहा है। कैच ये कैसे हो, ये तो कुछ अजीब सा हुआ है भाई, मतलब समझ में नहीं आया। लाइव स्ट्रीम में भी एक बार ऐसा हुआ था, उस समय तो मेरी नजर नहीं थी, इस बार तो नजर सामने थी, ये आ कैसे गया नीचे, अरे ये क्या है, कोई रिएक्शन ही नहीं इनका, तो भरा गई हाथ में, कहते हैं ना गाबड़ू थे पर भरा गई। ध्यान रखना है हमें कि डॉट गेंदे ना जाए यहाँ पर, क्योंकि अगर डॉट गेंदे जाएंगी तो ये हमको ही नुकसान करेंगी। 3 ले रहा हूँ, फील्डर नज़दीक है, थोड़ा अंदर चले गए हम लोग, थ्रो भी खराब आया है। 3 रन, 12 पे पहुँचता हुआ स्कोर 4 गेंदों के बाद, कंटिन्यू रखेंगे इस फॉर्म को तो बेहतर है। उम्मीद तो एक और 6 की कर रहे हैं, अर्ली शॉट सबसे अच्छी बात है, गैप में जा रहा है और फील्डर ने बहुत, ये थ्रो भी खराब है। अरे रन, आखिरी गेंद, नेट रेट कुछ खास है नहीं यहाँ पर, जरूरत है एक बड़े रनों की जो कि हुआ नहीं है पूरा। 3 का रिस्क, चलिए खराब थ्रो ने काम कर दिया आसान। 17 ऑफ साइड पर पहला अटेम्प्ट, अर्ली नाइस ट्राई, कैच नहीं होना चाहिए, ये बढ़िया डाइविंग, कहीं ना कहीं ये गेम बदल गई यहाँ से तो।
14 रन और करने हैं चार गेंदों में, पांच में करने हैं, ये हमारे चार की कोशिश थी, सफल नहीं हुई है। बढ़िया कैच, कैचेस विन मैचेस का ये बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। डिकॉक आउट हुए हैं, बड़े हिटअप कंपलसरी हो गए अफ्रीका के लिए। लेग साइड ही खेल रहा हूँ, कई लोगों को इसमें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ये सिचुएशन में यही ठीक है। अब ये तीन रन आउट, आउट क्लंप आउट, अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हालात ये है कि आपको बड़े हिट लेने हैं, अब दो आ रहे हैं तो काम बनेगा नहीं, तो तीन का रिस्क लेते हुए हैंड्रिक्स हुए आउट चार में 14। साइड पे फिर से अटैक करना चाहते हैं, टू लेट, और गलत है यार ये तो, परफेक्ट ऊपर की तरफ परफेक्ट मीटर में जो दिखा है वो तो मुझे कहीं से टू लेट लगा नहीं, येलो लाइन पे रुका है, ऊपर से परफेक्ट मीटर बहुत छोटा था, उसके बाजू में एक पीली लाइन थी वहीं पे रुका था यार कर्सन। बहुमा हुआ है आउट, अब दो गेंदों में 2 सिक्स चाहिए तो जीतेगा अफ्रीका। क्या सिक्सेस लग सकते हैं जी? नहीं, आप तो हार गए भैया मैच, कुछ बड़ा कर नहीं पाए, पहली ओवर का फायदा उठा नहीं पाए, हारता हुआ अफ्रीका। शेफर्ड हैट्रिक पर मेरे ख्याल से, मैं तो अरे अब आ रहा है परफेक्ट, वो भी अब आ रहा है परफेक्ट, धत तेरी की, लास्ट गेंद पे 6, लेकिन हिस्से में आई है हार। वेस्टइंडीज 5 विकेट से जीत लिया, वो भी तब जब उसने पहले बैटिंग की थी। यहाँ पर ये नौ बॉल डालना भारी पड़ा है, वही है यार, स्पेशल डालने का रिस्क होता है वो। आज दो दो नौ बॉल पड़ गए उस पर, वो दो नौ बॉल नहीं पड़े होते तो जीत जाता। शेफर्ड मैंने तो मैच डिजर्व करते हैं, गेम चेंज कर दी थी। यहाँ पर आती हुई रैंकिंग समरी मैं बता दूँ, एक गेंदबाजी तो अच्छी की है शेफर्ड ने, लेकिन वो जो कैच थे ना दो, उसने भी गेम बदल के रख दी, वो दोनों 4 जा रहे थे, वो 8 रन वहाँ हो जाते या 6 रन हो जाते, नहीं हाँ 8 रन हो जाते क्योंकि रन तो काउंट ही नहीं हुआ उस गेंद पे, तो जीत जाती अफ्रीका। तो वो कैचेस गेम चेंजिंग कर गए और वेस्ट इंडीज़ 5 रन से जीत गया है। अब आप लोगों के लिए ग्रुप सी का एक ही मैच बाकी है और बाकी के अब इस वक्त टोटल 5 मैच बाकी हैं इस लीग मैच के। मैं ले रहा हूँ विदा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस और चैनल पे देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।